भारत का मौका है कि आज से 70 साल पहले हिंदुस्तान की आज़ादी पेश आई और इस तारीख को हमारे बड़े बुजुर्गों ने, बरादरान वतन और मुसलमानों ने मिलकर इस देश की आज़ादी में बड़ा ही हिस्सा लिया और जिसमें सरफहरिस्त महात्मा गांधी साहब का नाम आता है और फिर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और इसी तरीके से अशरफुल्लाह खान और दूसरे बड़े बड़े अकाबरीन जो इसके पीछे बड़ी अपनी कुर्बानियाँ पेश की, जिसकी वजह से आज ये देश आज़ाद हुआ और जिसमें हमको सबको आज़ादी के साथ इसमें ज़िंदगी बसर करने की और खुश व खुर्रम से ज़िंदगी बसर करने की हमको ज़िंदगी बसर करने का हमको मौका मिला और जिसमें न भेद है न हो है, चाहे मुसलमान हो या हिंदू हो, सिख हो या ईसाई हो, सबको मिलजुल कर इस देश में ज़िंदगी बसर करने का बड़ा ही आसान रास्ता है और बड़ा ही बेहतरीन इंतज़ाम किया गया है और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इस मोहब्बत को और इस हुब्बुल वतनी को हम सबके दिलों में और हमारी सबकी नस्लों के दिलों में भी अल्लाह ताला इसे बाकी रखे और अमन सुकून से चैन से ज़िंदगी बसर करने की हम सबको मौका फराहम फरमाए। बस खुशी और मुबारकबादी का मौका है कि 70 साल का अरसा गुजर गया और ये 70 साल का अरसा हो गया है और हम सारे हिंदुस्तान के इंसानों के लिए, चाहे वो किसी भी धर्म का मानने वाला क्यों ना हो, सबके लिए हम मुबारकबादी पेश करते हैं और सबके लिए अमन और चैन और सुकून की, इत्मीनान की ज़िंदगी के लिए दुआ गो है और इस मुल्क की हिफाजत के लिए दुआ करते हैं। बड़ा ही मुबारक दिन है यौम जम्हूरिया, जो हिंदुस्तान आज़ाद 1947 को हुआ था, लेकिन सही जमहूरियत जो मिली है आज 26 जनवरी, जिसे क़ानून बनाया गया कि हिंदुस्तान में किस तरीके से सब तमाम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलकर किस तरीके से ज़िंदगी करना चाहिए, सबका हक जो हिंदुस्तान में सभी को ये बराबर का हक मिलना चाहिए, इस तरीके से कानून बना गया। अभी हमारे मौलाना तो तफसील से गया आपके सामने कहा है, मैं फिर एक मरतबा तमाम हिंदुस्तान के लोगों के लिए, खासकर हमें कोलार और इस वार्ड के कौंसलर मोहम्मद रफ़ी शरफुद्दीन साहब और हमारे मौलाना और बच्चों के तरफ से तमाम हिंदुस्तान वालों के लिए यौम जम्हूरियत की मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, यौम जम्हूरियत जिंदाबाद, यौम जम्हूरियत जिंदाबाद, यौम जम्हूरियत जो है 70 साल, सबको मैं मुबारकबादी देता हूँ कि सभी यह हिंदुस्तान में जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी मिलकर भाईचारगी से जिए। सब हिंदुस्तानी मुसलमान हिंदुस्तानी लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ, शुक्रिया। बच्चा